नमस्कार, आशा मेहता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मार्केट में मटर खूब आए हुए हैं और हरे हरे मटर खाना किसको पसंद नहीं है, तो आज मैं आपके साथ सूजी और मटर का बहुत कम तेल में नाश्ता बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आइए उसके लिए देखिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देखिए। तो देखिए, उसके लिए हमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि मटर है, ये मैंने 1 कप के करीब मटर लिए हैं जिनको मैंने धो लिया अच्छी तरह, और ये मैंने 1.5 कप के करीब सूजी ली है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है। और ये मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा ऊपर है दही ली है। इसमें अगर आप 1 कप सूजी डालते हैं तो 1/2 कप के करीब दही डलती है। और ये मैंने थोड़े से मसाले लिए हैं, ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर डलेगा इसमें, ये अजवाइन है, ये जीरा है, लाल मिर्च, नमक है, और ये मैंने 1 हरी मिर्च काट के ली है, ये थोड़ा सा लहसुन बारीक काटा हुआ है जिसको गार्लिक भी बोलते हैं, और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिया, और ये मैंने मीठा सोडा जिसको कि बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ये हमें लास्ट में यूज़ होगा। सबसे पहले हम सूजी को दही डाल के इसको घोल लेते हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सूजी ली है और इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक डाल दूँगी, और इसमें हम ये दही डाल देंगे। और इसमें हम अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डाल देंगे। 1/2 कप दही लिया तो 1/2 कप से थोड़ी सी ऊपर दही थी, तो इतना ही हम इसमें पानी मिलाएंगे। और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। हमें इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने सिर्फ बेसिक मसाले जो हमारे डेली किचन में यूज़ होते हैं वही लिए हैं मैंने, तो इसको हमने ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना, सिंपल नाश्ता बनाना है, जैसे बच्चे भी टिफ़न में भी ले जा सकें और सब घर के लोग भी आसानी से खा सकें। तो अभी मैं इसमें इतना पानी डाल रही हूँ, मैंने 1 कप के करीब पानी डाला है इसमें। बाकी इसको हम अब 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, और फिर हमें जब रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम इसमें और पानी मिलाएंगे। हमें इसका इडली के जैसा घोल तैयार करना है। ये देखिए, अब हम इसको कवर करके एक साइड पे रख देंगे और हम इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने गैस पे पैन को रख दिया है और मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है, क्योंकि ये बहुत ही कम तेल में बन के नाश्ता तैयार होता है। क्योंकि आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, तो हम सोचते हैं कि कम से कम ऑयल पड़े और खाना टेस्टी भी बने। तो आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो जाता है तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी, करीब 1/2 स्पून के करीब जीरा डालेंगे हम इसमें। तो देखिए, जीरा हमारा क्रैकल हो चुका है, ये देखिए, और अब हम इसमें जो हमने गार्लिक काट के रखा हुआ है वो डाल देंगे, और साथ ही इसमें हरी मिर्च जो रफली चॉप की हुई है वो डाल देंगे, और इसको हम 30 सेकंड तक भूनेंगे। हमने लहसुन को बिल्कुल रेड नहीं करना, ना ही इसको खूब तलना है, बस हल्का सा इसका सॉटे हो जाए। और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, ये देखिए लहसुन हमारा लगभग हो चुका है, और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हम 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। ये नाश्ता हमारा बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होता है, आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आप बच्चों के टिफ़िन में डाल सकते हैं, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आप थोड़ी सी तैयारी पहले करके रख लीजिए तो ये झट से बन जाता है। जैसे आप मटर का जो इसमें स्टफिंग करनी है, आप उसको पहले बना के तैयार करके रख लीजिए
तो ये तुरंत से हो जाता है। ये देखिए प्याज हमारे हो चुके हैं और मैं अब इसमें मटर डाल दूंगी। और अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, ये लाल मिर्च है, गैस की लो को आप मीडियम कर दीजिए। और तो देखिए मैंने ये मटर को फ्राई करते हुए कवर कर दिया था और बस ये हमारे, मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे पकाया है इसको और ये लगभग हमारा पक चुका है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको उतार कर ठंडा करके इसको ग्राइंड करेंगे। इसका एक अच्छा सा स्टफिंग के लिए मसाला सा बनाएंगे, क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज हमने काफ़ी मात्रा में डाला हुआ है तो ये काफ़ी टेस्टी बनता है। तो ये देखिए मटर हमारे 3 से 4 मिनट तक पक चुके हैं। अब मैं इनको गैस को बंद कर दूंगी और आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो मटर फ्राई किए थे उसको मैंने पीस लिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि स्टफिंग गिल्ली हो जाएगी, पैनकेक बना रहे हैं वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो अगर आपको ये गीला लगे तो आप इसमें थोड़ी सी भुनी हुई सूजी मिला सकते हैं, पर ये मेरा परफेक्ट है देखिए। तो आइए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पैन रख लिया है गैस पे और ये जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम हमारी सूजी को चेक करते हैं कि उसका बैटर हमें कैसा चाहिए। उसको लगभग आधा घंटा हो गया है भिगोए हुए, तो आइए हम चेक कर लेते हैं सूजी को। ये देखिए ये बैटर काफ़ी गाढ़ा है क्योंकि सूजी काफ़ी फूल गई है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको इडली की तरह घोल बनाना है, इडली से थोड़ा सा पतला। ये देखिए ये हमारा इडली जैसा बैटर तो अब लगभग तैयार है। हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। देखिए मैं पानी डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सूजी का बैटर हमने इस तरह से बनाना है, अच्छी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हो। और इस टाइम जब आपको लगे कि आपका बैटर परफेक्ट तैयार है तो आप इसमें आधा चम्मच मीठा सोडा, जिसको कि बेकिंग सोडा भी डालते हैं, और वो डालते ही तुरंत आपको बनाना है। आप उसको फिर रखिए मत, नहीं तो वो काफ़ी फूल जाएगा और हमारे जो पैनकेक हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं अब इसमें मीठा सोडा डाल रही हूँ और मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसको अच्छी तरह से फैला लीजिए। तो देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है और इस टाइम हम एक कड़छी भर के इसमें डालेंगे और गैस की लो को हम मीडियम कर देंगे। और हाथ पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। और जो हमने मटर का स्टफिंग बनाई है उसको आप हाथ पे लीजिए, उसको ऐसे ऐसे फैला लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फैल रहा है। और इसके ऊपर रख दीजिए आप। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाला है, उसको एक बार फिर से कवर कर देंगे और 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसको उल्टेंगे ताकि हमारा जो ये पैनकेक है मटर पैनकेक ये काफ़ी अच्छी तरह से सिक जाए और अच्छा कुरकुरा हो जाए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। गैस की लो को मैंने बिल्कुल स्लो पे किया हुआ है। ये देखिए ये आसानी से पलटा जाएगा। देखिए कितना सुंदर बना है हमारा ये। और इसी तरह हम इसको दूसरी साइड से भी
सेक लेंगे। देखिए अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपकी चीज़ भी अच्छी बनेगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये दूसरी तरफ से भी हमारा पक चुका है लगभग, ये देखिए। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये और भी कुरकुरा हो जाए हमारा, और इसको थोड़ा सा दबाकर अच्छी तरह से हम इसको सेकेंगे ताकि जो हमारी सूजी है अंदर से कच्ची ना रहे। ये देखिए आपका अगर तवा बड़ा है तो आप दो दो तीन तीन इकट्ठे भी बना सकते हैं तो जल्दी से बन जाएंगे वो, क्योंकि अगर आपने बच्चों का टिफ़न में पैक करने हैं तो नेचुरल सी बात है थोड़ी जल्दी होगी आपको बनाने में। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दबा दबा के इसको सेकिए, काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो देखिए हमारे मटर पैनकेक बनकर तैयार हैं, और आइए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बने हैं। और ये देखिए आप इनको बीच में से कट कीजिए तो आपको ये देखिए कैसे स्टफिंग है इसमें, ये देखिए। और ये ऊपर से काफ़ी कुरकुरे हैं और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट हैं, ये देखिए कैसे हर जगह इसकी स्टफिंग आई है। तो आइए मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। मटर और सूजी के पैनकेक बनकर तैयार हैं बिल्कुल, और आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी भी साथ एंजॉय कीजिए, साथ में चाय का कप बनाइए तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि सर्दियों में ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जुड़े रहिए आशा मेहता की रसोई के साथ। टेक केयर, थैंक यू।